हेलो प्यारी बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 5 वार्षिक परीक्षा का यह प्रश्न पत्र है, तो इसको हम प्रश्न 4 को हल करेंगे। इस वीडियो में सभी प्रश्न हल करें। चांदे की सहायता से 35 और 110 के कोण बनाएं। तो चांदा रख के आप आसानी से इनको बना सकते हो। ख है, एक पुस्तक की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन होगा। तो आयतन होता है पुस्तक जो है घनाभ के टाइप की होती है। आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या मोटाई भी कह सकते हैं। यहाँ पर ऊंचाई मोटाई का काम कर रही है। तो 20 सेंटीमीटर गुणा 15 गुणा 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 3 बार गुणा करेंगे तो क्यों घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 15 × 30, या ऐसे कर सकते हैं 20×500 गुणा 15 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1500 घन सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें।